कुमार, आप सभी को अपने YouTube चैनल रोहित फॉरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग एक नए टॉपिक लेकर कैलकुलस लेकर चल रहे हैं और यहाँ 12th क्लास में कैलकुलस का बहुत ही सबसे बड़ी अधिक महत्व होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कैलकुलस में। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। आज डिफ्रेंसिएशन में हम लोग जो बेसिक जो थ्योरी पार्ट होगा और इसी को देखेंगे और सबसे पहले यह समझेंगे कि डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन की यदि बातें की जाती है तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो यह होता है कि किसी भी फंक्शन को, यदि किसी फंक्शन का दर निकालने के लिए हम एक सापेक्ष में जब उसका वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समय अवकलन कहलाती है। अवकलन होता क्या है, तो एक प्रकार की यह प्रोसेस होती है, यह एक प्रकार की विधि होती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी फलन का एक्स के सापेक्ष में परिवर्तन दर ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि अवकलन का डिफिनेशन होगा क्या। तो इसे हम कहेंगे कि किसी फंक्शन का x के सापेक्ष में परिवर्तन की दर ज्ञात करने की विधि है। और यहाँ पे यह कंप्लीट हुआ और कि अवकलन होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग समझिए और किसी भी फंक्शन का यदि x के सापेक्ष में हम उसकी परिवर्तन दर निकाल लेते हैं तो उसका अवकलन कहलाता है। अब जरूरी नहीं होता कि x के सापेक्ष में ही निकालें, यदि हम चाहें तो y के सापेक्ष में निकाल सकते हैं और z के सापेक्ष में निकाल सकते हैं, t के सापेक्ष में हम निकाल सकते हैं और किसी भी चर के सापेक्ष में हम लोग उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी फलन लेते हैं, उस फलन का x के सापेक्ष में परिवर्तन दर निकाल लेते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। और बेसिकली अवकलन जो होता है यह एक प्रोसेस होती है और प्रोसेस से हमें जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है उसे ही हम डेरिवेटिव अवकलन कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम इंग्लिश परिभाषा लिखते हैं, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी फलन का और डिफरेंशिएशन का होता है एक प्रोसेस होता है जो किसी भी फंक्शन का क्या निकालता है, एक सापेक्ष में यदि हम उसकी दर निकालते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। अब यहाँ पे हम बातें करते हैं डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है बेसिकली यह क्या होती है, एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं और इसी प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, जब प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद हमें जो भी मिलती है रिजल्टेंट और जो रिजल्टेंट मिलता है इसे ही क्या कहते हैं, जो रिजल्ट मिल जाए और यही रिजल्ट क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि हम किसी फंक्शन का क्या करें और डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है और जो भी इसका रिजल्ट प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है और वही उसका क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को फाइंड अवकलज कहलाता है, यानी कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और कि किसी को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं कि यदि हम डी बाई डी एक्स करें और डी बाई डी एक्स निकालें हम टेन एक्स का और टेन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा और वह होता है सेक स्क्वायर एक्स। अर्थात यह सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है डिफरेंशिएशन और ये प्रक्रिया को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जो इससे रिजल्ट प्राप्त होता है, यह रिजल्ट हुआ अर्थात टेन का जो डिफरेंशिएशन करेगी तो इसे रिजल्ट क्या मिलेगा,
और सिक स्क्वायर 101, सिक स्क्वायर का 100 जो होता है यही कहलाता है क्या, और डेरिवेटिव कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग देखें जो भी रिजल्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अब डिफरेंशिएशन को हम फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करने के लिए हम देखते हैं और एक प्रोसेस देखते हैं, इस प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र का हम लोग निर्माण करेंगे और देखिए उसको कैसे किस प्रकार से हल कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं ना, इसके लिए एक फंक्शन को लिखते हैं और एक फंक्शन ले देते हैं वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है, और यह फंक्शन हो गया वाई बराबर एफ एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और y में परिवर्तन कर लेते हैं, y प्लस डेल वाई से। यदि हम y में परिवर्तन करते हैं तो कंफर्म है कि यदि हम किसी चर से अगर y में परिवर्तन करते हैं तो उस फंक्शन में भी परिवर्तन हो जाता है। और अब फंक्शन में परिवर्तन क्या होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स और या लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल एक्स लिख सकते हैं, अर्थात इसमें क्या हो गया और इसमें भी परिवर्तन हो गया। और जब y में परिवर्तन हुआ तो y में क्या परिवर्तन हुआ, y प्लस डेल वाई, तो फंक्शन जो दिया है उस फंक्शन में भी परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स क्या है, और डेल एक्स हो गया और x में परिवर्तन, x में यहाँ पे लिख सकते हैं परिवर्तन, और y जो हुआ डेल वाई, वाई में क्या हो गया परिवर्तन, और यह दोनों हो गया परिवर्तन। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब देखते हैं y के परिवर्तन की दर हम x के सापेक्ष में निकालते हैं, y की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर और x के सापेक्ष में, और x के सापेक्ष में किस प्रकार से इसका परिवर्तन दर होगा। और तो सबसे पहले जरूरी होती है कि हम लोगों ने फंक्शन में परिवर्तन क्या किया था, तो जो फंक्शन में परिवर्तन हुआ था वह क्या हुआ था x प्लस और डेल एक्स, और उसके पहले क्या फंक्शन था, तो उसके पहले यह फंक्शन क्या था एफ एक्स था। अब अगेन देखते हैं, और यह तो हो गया, और किसमें परिवर्तन किए थे हम, तो इस फंक्शन में क्या परिवर्तन था एक्स डेल एक्स में, और एक्स में क्या परिवर्तन हुआ था, तो एक्स में एक्स प्लस डेल एक्स पहले क्या था वह एक्स था, अर्थात फंक्शन पहले था फंक्शन एफ एक्स था, और एफ एक्स में परिवर्तन क्या हुआ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एक्स में क्या परिवर्तन हुआ एक्स प्लस डेल एक्स हुआ। और इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट जो परिवर्तन हुआ था, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, या इसे हम लिखेंगे और कि जो परिवर्तन हुआ था एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई एक्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन मिल जाती है कि x x क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद एक फंक्शन मिल जाता है x प्लस और डेल एक्स माइनस एफ एक्स वाई हो जाएगा डेल एक्स। और यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर हम लोगों ने क्या माना है, तो x प्लस डेल एक्स बराबर हमें मिल गया है y प्लस डेल वाई, और इसी फंक्शन की जगह हम लिख देते हैं y प्लस और डेल वाई, अर्थात y में परिवर्तन। और एफ एक्स क्या था, तो एफ एक्स जो पहले वाला फंक्शन था वह केवल क्या था वाई था, तो इसे वाई लिख देते हैं, बाटा हम क्या लिख सकते हैं डेल एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और वाई से जब ही वाई कैंसिल हो गया तो हमें मिल जाएगी डेल वाई बाई और डेल एक्स मिल जाएगा। अब यह तो हो गया, अब रेट ऑफ हम चेंजिंग ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू हम कर देते हैं वाई, और वाई में परिवर्तन की दर हम निकालते हैं, तो वाई में हम परिवर्तन की दर कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं y में परिवर्तन की दर हमें मिल गया और डेल y बटा और डेल x। अब हमें क्या निकालना है कि y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष में, और x के सापेक्ष में, और x के सापेक्ष में जो इसकी परिवर्तन की दर की जब हम बातें करते हैं, तो सबसे मिनिमम मान निकालने के लिए तो हमें पता होता है और कि डेल वाई बाई और डेल एक्स जो मिला है वैल्यू वह हमें किसके बराबर मिला है, तो फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा और डेल एक्स के बराबर में मिला है। तो इससे हम क्या करते हैं न्यूनतम मान के लिए हम क्या करते हैं और कि सबसे न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं लिमिट सबसे छोटे मैक्सिमम बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं और लिमिट की सहारा लेते हैं लिमिट डेल एक्स इक्वल टू जीरो, और या तो आप डेल एक्स का और डेल एक्स लिख सकते हैं और डेल एक्स बटा डी और डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स एक्सटेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स, ठीक है। और यह हो गया सबसे मैक्सिमम, और छोटे बिंदु पर हम जब किसी छोटे बिंदु पॉइंट पर निकालते हैं इसका मान, तो इसे हम सिमिलरली यही लिखते हैं। यदि हम चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं और इसके डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं या इसके जगह पर लिख सकते हैं हम, और
या करके और इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई और डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इसका टू लिख सकते हैं लिमिट और इसे डेल एक्स के जगह पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं एच एच एल और एच के प्रयोग कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटा इसे लिख सकते हैं एच और इसी तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के सहारा भी हम लोग क्या करेंगे और इसका मान फाइंड करते हैं जो डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो इसी को लिखते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं यह किसके बराबर होता है तो यह होता है डी वाई बाई और डी एक्स के बराबर होता है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला का क्या कर लिया गया निगमन कर लिया गया और इस आधार पे हम चाहते हैं चाहे तो एक फॉर्मूला को हम सिद्ध कर सकते हैं और जितने भी डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूला होते हैं और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि किसी फंक्शन को लिया गया और इस फंक्शन में क्या किया थोड़ा सा परिवर्तन वाई में हुआ और वाई में परिवर्तन तो फंक्शन में परिवर्तन हो गया और जो उस फंक्शन में परिवर्तन होता है जब हम इसकी दर निकालते हैं तो इसकी दर के द्वारा हमें मिल जाता है डेल वाई बाई डेल एक्स और इसके द्वारा हम चाहे तो और नए फॉर्मूलों को भी सिद्ध करेंगे। तो एक फॉर्मूला देते हैं उसमें हम किस प्रकार से इसे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हम नेक्स्ट जो भी हो उसमें हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे। एक सूत्र हम ले देखते हैं और डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला होता है और यदि वाई बराबर होता है यदि हम क्या लेते हैं यदि फंक्शन लेते हैं वाई बराबर एक्स की पावर है ठीक है और एक्स की पावर हम लेते हैं तो इसका जो सूत्र होता है इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है कि डी वाई बाई और डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन और हमें यही क्या करना है इसे प्रूफ करना है। और तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे तो एक इसे फॉर्मूला हम ले लेते हैं। यह फॉर्मूला क्या हो गया फर्स्ट हो गया और सबसे बड़ी बातें होती है एक फॉर्मूला सबसे कारगर होता है और सबसे बड़ी बातें होती है कि इस फॉर्मूला से हम लगभग प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। तो इस फॉर्मूला को हमें प्रूफ करना है तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं और यहाँ से लिखेंगे प्रूफ और प्रूफ में क्या करेंगे इस फंक्शन को हम रेडी कर देते हैं और इसे फॉर्म क्या करते हैं लिमिट वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें पता हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स वाई होता है और डेल एक्स होता है ठीक है और इस फॉर्मूला के द्वारा हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे मिनिमम बिंदु पर जब इसका मान ज्ञात करते हैं तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं और लेट कर लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन यदि हम एक्स के पावर एन रखते हैं तो सभी फंक्शन पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर एन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं इसे और या तो इसके अलावा हम एक और फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे एफ ए प्लस एच माइनस हो जाएगा एफ ए और बाटा में क्या कर सकते हैं एच कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला से हम लोग चाहें तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं तो देखिए इसी फॉर्मूला पे हम निकालते हैं इसका मान और कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाटा हो जाएगा एच। अब देखते हैं कि जो फंक्शन हम लोग रखे गए इसका पावर क्या है एन तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं इसका पावर एन कर लेते हैं ठीक है और इसी के सहारे हम लोग जब इसका मान ज्ञात करेंगे और तो इसी अब इसी फंक्शन से क्या होता है इसका मान फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है एक मिनट तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसी फॉर्मूला को लिख लेते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स और डेल एक्स लिखे चाहे इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एच भी लिख सकते हैं और ए के जगह हमें एक्स पे ही इसका मान ज्ञात करना है तो ए के जगह पे क्या है एक्स है तो एक्स लिख लेंगे और इसका पावर एन करेंगे माइनस यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा इसका पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा आबाटा यहाँ पे हो जाएगा जो और डेल एच हो जाएगा ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है तो बेसिकली हम बाइनोमियल थ्योरम की जब बातें करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस एच का पावर एन तो इसे लिखते हैं एच इंटू और एच से शुरू होता है फंक्शन और एच को क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं और इसका सूत्र होता है एन सी वन एन सी वन होता है और इसके बाद इसमें प्लस करके ऐड करते जाते हैं तो x के पावर जो भी होता है n हो जाएगा और x के पावर n होने के बाद अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं x के पावर n और n टू होता है एन सी एन सी जीरो ठीक है और एन सी वन से शुरू होता है एक एन सी जीरो से शुरू होता है तो यहाँ पे एन सी जीरो से शुरू हो गया और उसके बाद जो होगा वह x का पावर होगा n और n माइनस वन इंटू एच
और फिर इसके बाद होता है प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस होता है और एन सी थ्री इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं हमने एच स्क्वायर इशू किया और एच स्क्वायर प्लस लिखते हैं एन सी थ्री एक्स के पावर एन माइनस थ्री और इंटू होता है एच क्यू और प्लस क्या कर सकते हैं डॉट डॉट जो भी हमें लास्ट फंक्शन मिला है वो लास्ट फंक्शन क्या मिला है माइनस है एक्स के पावर एन और बाटा में क्या है एच तो इसे हम क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। अब हमें देख रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ और यह वैल्यू प्राप्त हुई तो हम क्या करते हैं प्लस लिख लेंगे और यह हो गया एक्स के पावर एन बाइनोमियल थ्योरम में इसे क्या किया लिख लिए और बाइनोमियल थ्योरम में लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाती है और क्या करेंगे ना इसमें एक्स के पावर यह प्लस में है और एक्स के पावर क्या है माइनस में है तो यह क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है दोनों और बाकी सभी एच का जो मान होता है लिमिट में और लिमिट में इसका मान होता है जीरो तो सभी जगह इसका मान क्या कर लेंगे जीरो रख लेंगे और जब ही हम जीरो रखेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा और जीरो हम यहाँ पे रख लेते हैं एन सी वन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू हो जाएगा इंटू एच प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर एच उसके बाद जो होता है एन सी वन हो जाएगा एक के बाद एन सी टू हो जाएगा एक्स के पावर एन माइनस टू और बाकी सभी फंक्शन में हम जे भी जीरो रखेंगे सभी वैल्यू क्या हो जाएगा ऑलरेडी जीरो हो जाएगा बाटा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। या तो हम इसमें क्या करते हैं तो यहाँ से एक और नियम हम फॉलो कर सकते हैं और बेसिकली कोई जरूरत ही नहीं होती है कि हम यहाँ पे क्या करें और एन सी के मान रखें हम सबसे पहले क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं और सभी में एच क्या है एच है तो एच को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं और जब एच को कॉमन करेंगे तो एन सी वन एक्स के पावर एन माइनस वन और यहाँ से तो एच कॉमन हो गया कॉमन होने के बाद जो बच गया एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू और यहाँ एच बच जाएगा प्लस करेंगे और उसके बाद जो भी हो सब में क्या बचेगा इस तरह से बच जाएगा फंक्शन आप बाटा कर सकते हैं एच और एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यह प्रश्न और इजी हो जाता है और जब ही हम एच बराबर क्या रख देते हैं एच बराबर हम करते हैं जीरो और यहाँ पे ना इसी फंक्शन को हम लेकर कहाँ लेते हैं और थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर ले गए और ऊपर ले जाने के बाद हम क्या करते हैं एच बराबर जब भी रखते हैं जीरो और तो हमें फंक्शन मिल जाती है एन सी वन और एक्स के पावर माइनस वन एन सी वन का जो मान होता है वह कितने के बराबर होता है वह एन के बराबर होता है और एन जीरो और यही क्या हो जाता है यहीं पे प्रूव हो गया। और इस प्रकार से हमने आज थ्योरी पार्ट को लिया और कल से हम लोग डिफरेंशिएशन का दूसरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज हम लोगों ने इसे सहारे हम फॉर्मूलों को सीखे और कल से हम लोग क्या करेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे कुछ क्वेश्चन इसके फॉर्मूला जो भी होंगे उस फॉर्मूला को लिखेंगे और उसी फॉर्मूला के लिए और सहारे हम लोग लिखने और सहारा फॉर्मूला को सहारा लेकर उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे और इस जो फंक्शन होता है इस एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बस आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू थैंक्स बॉट।